हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिखा ग्लैम गर्ल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा सिमिलर वीडियोस आपने शॉर्ट्स में देखा होगा काफ़ी यूट्यूबर्स का, तो मैं इसको पर्सनली लॉन्ग वीडियो बनाना चाहती थी और इसका कंपेयर करके आपसे शेयर करना चाहती थी कौन सा बेटर है। तो येस, बाय टाइटल बाय थंबनेल आप समझ गए होंगे ये वीडियो किस टॉपिक पे है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस रिव्यू देना है तो छोटा ही बनाऊँगी। तो येस गाइस, तो आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ मेरे घर का उपटन मास्क, जो मैंने बेसन दही एलोवेरा जेल और थोड़ा सा टर्मरिक इसमें डाला है क्योंकि गर्मी बहुत है, मैंने हल्दी बस चुटकी भर लिया है। और मैंने लिया है यहाँ पे मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क। ये मुझे स्मिटन से मिला था, इसलिए ये ट्रायल पैक है। इसका बड़ा वाला भी टब भी आता है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैंने उनको यूज़ करते हुए देखा है। तो इन दोनों का मैं आज कंपेयर करने वाली हूँ। हाफ फेस पे मैं ये वाला लगाऊंगी, हाफ फेस पे मैं वो वाला लगाऊंगी और कंपेयर करेंगे कौन सा बेटर है, क्या हमें इतना पैसा वेस्ट करना चाहिए। ये छोटा ट्रायल पैक भी 199 का है गाइस, तो इसका बड़ा वाला आप गेस कर सकते हो कितना ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो यस, ये वीडियो कंपेयर में होने वाला है। तो चलिए फटाक से इस वाले फेस मास्क को मैं इधर लगाती हूँ और इसको मैं लगाती हूँ इस साइड। इस फेस मास्क का ना मैंने काफ़ी सारा वीडियोज आपसे शेयर कर दिया है। अगर आपको इसको चाहिए रहेगा कि मैंने इसको कैसे बनाया, कमेंट करना, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो थोड़ा सा ना ये ना थिन हो गया, थोड़ा सा थिक चाहिए था, बट ठीक है, हम इसको डबल लेयर कर लेंगे। उसके लगाने के बाद ना इतना कूलिंग इफेक्ट आ रहा है ना, क्या ही बताओ, क्योंकि इसमें मैंने दही मिलाया है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा इसमें दही ऐड करना था, वो भी फ्रिज में रखा हुआ। काफ़ी कूलिंग लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको लगाने में। तो मैंने इस साइड अच्छे से इस फेस मास्क को लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी इस फेस मास्क को इस साइड, इसको ना मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। सी गाइस, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो फटाक से लगाते हैं। इसमें से ना वो वीको टर्मरिक नहीं होती है, वैसी स्मेल आ रही है एग्जैक्टली। गाइस, ये बहुत ज़्यादा थिक है। वीको टर्मरिक की तरह लग भी रहा है। तो गाइज, मैंने दोनों साइड दोनों लगा लिया फेस मास्क। तो इस साइड वाला ना थोड़ा सा भी कूलिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गर्मी टाइप हो रहा है। इस तरफ का काफ़ी कूलिंग है क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने इसमें दही ऐड किया था। तो चलिए वेट करते हैं ड्राई होने का। आई नो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक था लगाने में और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको थिन कर दिया है, बट आई नो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो चलिए इन लोग का इसका सूखने का वेट करते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैंने अपने बाल को टाई कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाली गर्मी हो रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो दोनों ही मास्क ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, ये तो एकदम ड्राई हो चुका है, ये थोड़ा सा बचा है, बट मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो सबसे पहले मैं इस साइड का रिमूव करूँगी। कर लेते हैं इस साइड का भी रिमूव। मैं अपना फेस को अब वॉश करके आती हूँ। मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो। तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे इस साइड का जो मैंने घर पे फेस मास्क बनाया था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो काफ़ी कूलिंग था गाइस। इसको वॉश करने के बाद में बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। और इस तरफ भी मैंने कुछ नहीं लगाया, बट ये काफ़ी नरिशिंग, काफ़ी स्मूथ लग रहा है। और इसने जितने भी मेरे डार्क सर्कल्स थे ना, डेड सेल्स थे, यहाँ पे नोज़ के पास देख सकते हो, लिप्स के पास देख सकते हो, अच्छे से इसने हटा दिया। और यहाँ का आप देख सकते हो, यहाँ पे हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, बट मुझे सच बताऊँ पर्सनली मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा जो मेरे घर का उपटन मास्क था। तो इस कंपेरिजन में मेरा उपटन वाला फेस मास्क जीतता है। यस, मैं उसी को आपको रिकमेंड करूँगी। अगर आप इस वाले को सोच रहे हो लेने के लिए तो एक बार सोच लेना अच्छे से आपको लेना चाहिए कि नहीं, वरना मैं तो वही रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये एग्जैक्टली वीको टर्मरिक की तरह महक रहा है। मैंने एकदम अच्छे से उसको रिकमेंड कर लिया, उस स्मेल को सेम एग्जैक्टली वही महक रहा है। और ये वाला काफ़ी स्मूथिंग है, मेरा फेस मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है। इस तरफ से भी फील हो रहा है, बट ज़्यादा इस तरफ से फील हो रहा है। तो यस, मेरे लिए मेरा घर का उपटन मास्क जीतता है। तो दैट्स इट आज की वीडियो के लिए, बस मुझे यही कंपेयर वाला वीडियो आपसे शेयर करना था। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम का हैंडल मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कर लो गाइज, जाके एक बार देखो मेरे फॉलोअर्स कितने ज़्यादा कम हैं, आप भी हंसोगे, बट ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे।
दैट्स इट, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसे कंपेयर वीडियोज़ और भी चाहिए कि नहीं, तो मैं ज़रूर ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।